आनंदमा चेनंद सहाओ परम तत् पदविंद पाओ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वे से गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरिहि अर्थ त्यर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री चौबीस थाना ग्रंथराज जी मंगला शरण उवे उवन उवन विंद विंद भवनम विज्ञानम विनियम स्वयं उत्पन्नम नन्तानन्त स्वयं च सुरेयम् शुद्धं चाशुद्धात्मेनम् उवनम् उवन स्वभाव मनस्य ममलम् मै मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोके स्वयं सुरं च सुरियम् सुन्नम सहावं सुरम। बोलिए श्रीमद जिन तारंतरम लाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी नमः ओवन सिद्ध नमो नमः सिद्धे नमो नमः नमः वन सिद्धे नमो नमः। श्री परमाराध्य महाजन वाणी सद्गुरु श्रीमद् जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृतमय ज्ञान दसार श्री चौबीस थाना ग्रंथराज जी जहाँ आचार्य श्रीमद् जिन तारण स्वामी हम समस्त भव जीवों को मोक्ष मार्ग की राह दिखा रहे हैं और ये जीव भव जीव अपने आत्मा कल्याण कैसे करें, अपने तत्व को अपनी सूरत में कैसे लाए, अपने हित का मार्ग कैसे बनाए, ये सारी बातें आचार्य गुरु श्रीमद् जिन तारण स्वामी ने हम सभी भव जीवों को बताई है भैया। और हम इस मार्ग का अनुसरण करें यही हमारे लिए हितकारी है, इससे ही जीव का कल्याण हो सकता है। तो भला एक छोटी सी बात है, छोटी सी कहावत है, भला उपकार परोपकार ये सारे शब्द जीव की अनुकंपा भाव से जुड़े हुए हैं, अर्थात अपने निमित्त से प्राणियों को दुख ना देना ही भला है। सच्ची सी सीधी सी बात, कोई भी जीव अपनी कृत कारित अनुमोदा मन वचन काय या अपनी क्रिया के द्वारा कोई भी जीव दुखी ना हो, छह काय के जीवों पर अनुकंपा और सभी साधारण जीवों से वात्सल, दुष्ट जनों के प्रति मध्यस्थ भाव, गुणी जनों के प्रति प्रमोद भाव और भैया प्राणी मात्र से मैत्री, ऐसी अंतर भावना हो उसका नाम है अनुकंपा, दया उसका नाम है वात्सल। तो जीव को जब भला करने की बात आती है तो जीव को जब सदमार्ग दिखाओगे तो भला है भैया। किसी की विषय वासनाओं का पोषण करने का नाम भला नहीं है। हाँ, जैसे किसी को भूख लग रही है तो उसे भोजन करा दो और पेट भरने के बाद उसे कहो भगवान आत्मा तू भूख से भिन्न है तो उसका नाम भला है। लेकिन भैया किसी का पेट भर दो काय से अवक्त से तो उसका नाम भला नहीं होगा। इसलिए अपन अभिप्राय में अपने अभिप्राय में सम्यक पना लाएं, अपने अभिप्राय में सत्य को स्वीकार करें और भगवान जी तारण तारण देव चौबीस थाना जी ग्रंथ में जो भव्य जीवों को हित का मार्ग बता रहा है, समझा रहा है, चेता रहा है कि जीवात्मा अर्घ भूले नरक फ्री पड़े इसमें भला है,
अरे आप किसी का भला करना चाहते हो तो उसे ये बता दो, जीव आत्मा तुम अनादि काल से अपने अनंत चतुष्टय में अर्क स्वभाव को भूले हुए हो, और हमारे तारण स्वामी ने कहा था अर्क भूलोगे तो नरक में जाकर गिर जाओगे। अरे ऐसा आप किसी को समझा दो और किसी को समझ में आ जाए, कोई पाप विषय कसाय को छोड़ दे, अपने अभिप्राय को सम्यक्त की ओर ले जाए, तो भैया इस जगत में प्रत्येक प्राणी का भला हो और प्रत्येक जीव इस मोक्ष मार्ग को समझ के जान के, अरे कुछ नहीं तो अनुभूत ना करके, बहुमान करके, कैसे भी करके एक बार सत्य से जुड़ जाए, भगवान की वाणी की अनुभूत ना कर ले, तो आज नहीं तो कल जीव का कल्याण हो जाए तो भला है भैया। तो अपन ऐसा उपकार की भावना रखें और अपन चलते हैं चौबीस थाना जी ग्रंथ की ओर। और चौबीस थाना ग्रंथ में जो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने अंतर साधना के जो सूत्र दिए हैं उनसे आत्मानुभूति का मार्ग बनाने के लिए चलते हैं अपन। आरजू दीदी अपने साथ हैं जिनके बिना ये काम संभव नहीं है। तो अर्क स्वभाव का विस्मरण नर्क, तो चेतावनी है स्नेही जी, जीवन ज्योति में आनंद आया कि नहीं आया? अर्क स्वभाव का आनंद, अर्क स्वभाव को ग्रहण करने की जो चलिए अच्छा लग रहा है, पढ़ रहा हूँ अभी, आज पूरी हो जाएगी। ओके भैया, अपने जीवन के आनंद का जो अंतर अनुभूति का जो आनंद है उसका नाम अर्क है भैया, और उस अर्क का स्मरण उससे मुक्ति का मार्ग बनेगा। यहाँ श्रीमद जिन तारण तरण देव ने उस अर्क स्वभाव की महिमा को कहा है। तो अपन चलते हैं अपनी वांछना की ओर। कल अपना वांछन करा था अपन ने गहर गहर गुप्त अर्क का, अर्कस गहर गंभीर अपने पद रह गए थे। तो आरजी जी आज अपन सीधे पद की वांछना करके आगे बढ़ेंगे। चलिए तारण स्वामी की वाणी तो अथाह है भैया, उसका कोई और नहीं है, कोई छोर नहीं है, इसलिए अपन अपनी अनुभूति से उस सत्य को जाने और कल्याण का मार्ग बनाए, यही बहुत सहज मार्ग है। दिल परेशान ना हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चले चले भैया, देखिए गुप्त आगम है सहज प्रकाशी, ज्ञान इच्छित होता इससे, देदित मान का गुण लक्ष्य ग्रहण हुआ सूक्ष्म आस आगम से। ये देखो भैया, पूर्णतः से गुरुदेव ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो तो पूर्ण वीतरागता के हैं, और हम वांछन कर रहे हैं तो हमारा अभिप्राय भी उसमें से क्या निकालने का है, उसमें से सार निकालने का, मतलब इतनी गहरी वीतरागता को पकड़ न पाने के कारण से अपन उसको संक्षेप में समझने का अभ्यास करते हैं। जैसा अभिप्राय हमारा एक ही सत्य को ग्रहण करने का है ना, कि तारण स्वामी जिस अर्क की महिमा को कह रहे हैं वो अब स्वीकार हो जाए, वैसे ही जिन्होंने ये छंद लिखे हैं, पद लिखे हैं, चंद्रकांत बुआ जी, हर्षिका दीदी, उनका भी अभिप्राय यही है कि जीव को वो अपना स्वभाव दिख जाए। देखो क्या लिखा है, गुप्त आगम है सहज प्रकाशी। ये जो जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है इसमें वो अपना अगम स्वभाव जो अंतरात्मा है इसमें छुपा हुआ है। अरे जब जीव को अंतर से अपने ज्ञायक स्वभाव की इच्छा प्रकट होती है तो ये देदित्यमान जो प्रकाशमान स्वभाव का जो गुण रहस्य है इसका लक्ष्य जीव के अंतर से प्रकट होता है भैया, और वह जीव क्या करता है, इस सूक्ष्म अतीन्द्र स्वभाव का आश्रय ग्रहण करता है। यही तो यहाँ कह रहे हैं क्या, कि शाश्वत है, शाश्वत सत्य है, ध्रुव प्रमाण है, अद्भुत है ज्ञान का सागर, ज्ञान की सहभागिता, ज्ञान में रहना आत्म के लिए सब हो गए है पर कुछ नहीं बचा, ज्ञान स्वभाव में ज्ञान का, ज्ञान स्वभाव में ज्ञान का रीजना कर्मों के लिए असहनी है, मतलब कर्म ज्ञान स्वभाव को सहन नहीं कर सकते, आत्म सिर्फ आत्म को सहता अर्क स्वभाव ही वंदनी है, इष्ट समय असमय को हरता यही इष्ट समय सार है, इसी इसी
क्या है, हम धूप में बैठते ना, इसलिए इसी में रहकर इसी में रहकर कला करता सहकार ज्ञान होता निराकार है भाई। बस दीदी हो गया, ये बात यही चल रही है भैया कि ये अपने को शाश्वत ध्रुव स्वभाव की महिमा है। शाश्वत ध्रुव स्वभाव सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, अद्भुत है, ज्ञान का सागर है। एक बार जीवात्मा इस ज्ञायक स्वभाव में सहभागिता तो लो, इस ज्ञान स्वभाव में रहो तो आत्मा के लिए सिर्फ आत्मा ही स्वा है, बाकी सब पर है भैया। यदि आत्म स्वभाव स्वीकार हो जाए तो ज्ञान स्वभाव में ज्ञान का रहना, निरखना, ज्ञान का अंतर में जानना कर्मों के लिए असहनीय, अर्थात ये ज्ञायक सत्ता कर्मों को सहन नहीं कर सकती, और जहाँ ज्ञायक सत्ता उदित होती है वहाँ कर्म नहीं रहते भैया। इसलिए आत्म सिर्फ आत्म में रहता, बस आत्मा में तो सिर्फ आत्मा का सहकार है, ऐसा अर्घ स्वभाव ही निज के अंतर वंदनी है। नमामि ध्रुव शाश्वतम, इस अंतर आत्मा को नमस्कार करो। ईष्ट समय अपना स्व समय परमात्मा ही असमय को पर पर्याय की विकल्प को हर लेगा भैया। यही ईष्ट समय सार परमात्मा, यही समय का सार है, ध्रुव आत्मा है, इसी में रहो, इसी में रह के इसी का सहकार करो। इससे ज्ञान का भैया अपना निरावरण जो ज्ञान है, अरूपी जो वितराग तत्व है, वो अपना शुद्ध ज्ञायक भाव प्रकट हो जाएगा, जो पर्याय से, परिणमन से, अज्ञान से, अनिति से, सारी अज्ञान दशा से पार है, तो वितराग दशा प्रकट हो जाएगी। लेकिन कब होगी? जब अपन ऐसे आत्म स्वभाव की महिमा को जानेंगे भाई, और नहीं तो अनंत काल से इस संसार में भटकते भटकते अनंत अनंत बीत गए भाव, लेकिन बस एक स्वभाव पकड़ में नहीं आया, वो क्या है? अपना ज्ञायक स्वभाव है। इसलिए भैया अपन तारण स्वामी के मुखारविंद से अमृत वाणी सुन रहे हैं, मतलब वाणी उन्हीं की है, अब उसका चाहे पद अर्थ बोलो चाहे भाव अर्थ बोलो, है तो उन्हीं की ना। तो तारण स्वामी के निमित्त से अपन ये अंतरवाणी सुन रहे हैं भैया, और अपन सबका कल्याण हो, ये मंगल भावना है। अर्जुन दीदी अगला अर्घ स्वभाव के लिए अपना उपयोग लगे और संसार रूपी झूठे नर्क से अपना मन हट जाए। अच्छा बताओ, संसार नर्क किस को लगता है? किसी को लगता है क्या संसार नर्क? चलिए इन पदों का वांछन अपन शायद कर चुके, नहीं करा, नहीं करा शायद। चलिए ईष्ट की नंत ज्योति जहाँ प्रकटि स्वापद का वह अर्क मिला, रत्नात्रे का समर्थ प्रकटा अंतर ध्वनि का पुष्प खिला, प्रयोजनी स्वसमय शुद्धातम इसके सहकार से मिटे असमय, अनंत ज्ञान में ज्ञान का अवकाश परम सानुभव होगा ते, ध्रुव प्रकाश ही श्रेष्ठ प्रयोजन अद्भुत ज्ञान समंदर है, अर्क ज्ञान अनुभूति में साध कर अनुमोदन हो निरंतर है, छाइक अर्क हितकारी शक्ति कर्म का खिपना निश्चित है, गहन प्रकाश दे दीप्तिमान है श्रेष्ठ मुक्ति की प्रकटता है। देखो भैया एक ही बात को तारण स्वामी ने अपने अनुभव से कहा, और एक ही बात को जो चिंतन करता है, जो चिंतन कर रहा है भैया उस उन सूत्रों का चिंतन कर रहा है, वो भी उसी बात को बार बार अपने शब्दों में कह रहा है। और क्या कह रहा है भैया? सार तो इतना ही है। क्या सार है? कि अपने को अपने उस ध्रुव ज्ञायक तत्व की अंतर से महिमा आ जाए, कि वो अनंत चतुष्टय में वो प्रकाशवान शक्ति जो अपने अंतर विलस रही है वो ही तो ध्रुव सत्ता है। सार क्या है? कि जीवात्मा जिस घड़ी, जिस समय, जिस काल में तुझे अपने स्व समय आत्मा की पकड़ हो जाएगी, तो दुनिया का भला हो या ना हो तेरा भला जरूर हो जाएगा भाई। और सुनो भगवान जी, भला करने का अधिकारी कौन? अरे भगवान जी, पहले खुद का तो भला हो जाए तो दुनिया का भला कर पाओगे। खुद का भला हो जाए मतलब जब तक अपन सम्यक दर्शन को
स्वीकार नहीं करोगे, अपन वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करोगे, अपन ज्ञायक सत्ता को स्वीकार नहीं करोगे, मैं किसी का कर्ता धर्ता नहीं, जब तक स्वयं भेद ज्ञान और तत्व निर्णय से पर पर्याय से भिन्न स्वयं नहीं होगे, तो भव्य आत्मा ये तो बता दुनिया का भला कहाँ से करोगे। अपना भला हुए बिना किसी का भला नहीं होता, और यदि अपना भला हो गया हो, अपने वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लिया हो, तत्व का निर्णय कर लिया हो, जिन शासन की महिमा को जान लिया हो, शरीर से भिन्न आत्मा को जान लिया हो, और अपन आकर्ता भाव में, साक्षी भाव में, ज्ञाता भाव में आके बैठे हों, तो भला होता है। फिर जीवों पे अनुकंपा होती है और फिर पता लगता है कि जीवों का भला कैसे होता है। कोई भूखा हो तो भोजन कराना करुणा है, दया है, लेकिन क्या भोजन कराना, ये विवेक जिनवाणी अपने भले से आता भी। और जब तक अपना ही भला ना हुआ हो, अपनी स्वच्छंदी प्रमादी आलसी और अज्ञान मिथ्यात्म में डूबे हों, तो भगवान जी दुनिया का भला कहाँ से करोगे। वो ऐसा है ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, तो ऐसा करो, ऐसा गाओ, भला जो करने में चला, निज का भला ना हुआ कभी। दुनिया के भले करने के लिए जा रहा है भगवान जी, पहले ये तो बताओ खुद का भला हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए भैया अपन आत्महित की बात को सिर्फ कहें भर ना, आत्महित की बात को अंतर से स्वीकार करें। कहने मात्र में समय व्यतीत करने से कुछ नहीं होगा। जो आत्महित की बात अपन कर रहे हैं ना, उस आत्महित की बात को कहने मात्र से कल्याण नहीं होगा। तो फिर पहले आत्महित की बात को अपन स्वयं ग्रहण करें, उसके बाद अपना कल्याण होगा भैया। तो यहाँ इसका सार यही है कि ज्योति स्वरूप आत्मा पिकती है, और स्वापद में ये अर्घ स्वभाव स्वयं बिलस रहा भैया, स्वयं में मिला है, रत्नत्रय की सामर्थ्य से भरा हुआ है। इसलिए अंतर्ध्वनि में देखो प्रयोजनी शुद्ध आत्मा को भैया, देखो भैया इसके सहकार से ही सारे असमय की पीड़ा मिट जाएगी, सारा दुख भुला जाएगा, और अनंत ज्ञान में ज्ञान का प्रकाश जहाँ होगा वहाँ देखोगे भैया क्या होगा कि अंतर स्वभाव का श्रेष्ठ स्वानुभव स्वयं अंतर से पिकटेगा भैया। अरे आत्मा ध्रुव प्रकाश ही है, श्रेष्ठ प्रयोजनी है, अरे एक अद्भुत ज्ञान के आनंद का सागर है यह आत्मा, समरस भाव में है। लेकिन प्रकट कब होगा, हर के ज्ञान अनुभूति में कब आएगा, जब साधक तू इसकी निरंतर अनुबोधना करेगा, बिना अनुबोधना के मिलने वाला नहीं है भैया। ये अर्क अपना प्रकाशवान स्वभाव छायिक है, अपने लिए हितकारी है, अनंत शक्तियों का धारी है, इसकी स्वीकारता होते ही कर्म छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सब कर्मों का दल अपने आप विलायमान होता है। इसलिए हे जीवात्मा ऐसे गहर गंभीर अपने दैदित्यमान हितकारी स्वभाव को, अपने गंभीर स्वभाव को ग्रहण करो, श्रेष्ठ मुक्ति श्री का वर्णन करो, इससे क्या होगा अपना हित हो जाएगा, अपना भला हो जाएगा, और जिस दिन मेरा भला हो जाएगा भैया तुम केवल ज्ञानी हो जाओ, तो माया निमित्त से अनंत अनंत जीवों का भला हो जाएगा, तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ तो माया आसपास के सारे जीव सुखी हो जाएंगे। क्यों भैया मेरे सम्यक दृष्टि होने से आसपास के जीव सुखी क्यों हो जाएंगे। अरे भगवान जी तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे, तुम आकर्ता भोक्ता अपने आप को मानोगे, तो तुम किसी पर दोषारोपण नहीं करोगे, तुम किसी से लड़ने नहीं जाओगे, तुम किसी से झगड़ने नहीं जाओगे, तुम सबसे प्रेम पूर्वक बात करोगे भैया, तुम अपने मन में किसी के प्रति कसाय नहीं रखोगे। तो जब तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे तो तुम्हारे आसपास तो वैसे स्वर्ग हो जाएगा। इसलिए जीव आत्मा अपना भला कर लो तो दुनिया का भला तो होनो निश्चित ही है भैया। चलिए आज जो दीजिए आगे चलते हैं अपन, और यदि जो अपना भला नहीं कर पाएगा भैया उसके निमित्त से भला भी नहीं होगा। इस बात को समझें, इस बात को स्वीकार करें, और भैया आत्महित के लिए, निज कल्याण के लिए अपनी अनुभूति का मार्ग बनाएं। जी अपन वांछन कर चुके हैं सब। अच्छा ये चार्ट भी रह गया, चलिए भैया रह गया हो तो खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपने स्वभाव की ऐसी महिमा को यहाँ जीव समझे, बस यहाँ समझने की बात है, और जो समझेगा उसका
मार तो सहज बनेगा भैया, सहज सहकार गुप्त तर्क, मतलब साधु पद में गुप्त स्वभाव के आनंद की बात चल रही है। गुप्त प्रकाश अति गहरा है, शुद्ध ज्ञान में यही समाया है, यह ज्ञान वे ज्ञान ही धन है, अनंत गुणों में रंजाया है, ज्ञायक स्वभाव गंभीर हितकारी, इसमें आनंदमय रमणता, नंद चिदानंद परमानंद में ध्रुव प्रकाश की हो परिपूर्णता, जिन स्वभाव ही जिन सत्ता है, ज्ञान रमण इसमें उत्तम, अवलवली तीर्थंकर चौबीस परमेष्टि पद सर्वोत्तम, रत्नात्रे में ज्ञान का आचरण, तीर्थंकर पद प्रकटाता, चतुष्टे रमण की प्रबलता में अनंत विषय नहीं, अनंत विषय यही विलाता। देखो क्या कह रहे हैं भैया, क्या गजब की भावना है भगवान जी, जीवों की भावनाएं तारण स्वामी के ग्रंथ पढ़ के क्या गजब की होती हैं, आपको इन पदों से पता लग जाएगा कि तारण स्वामी के ग्रंथों को पढ़ के जीवों के अंदर भाव कैसे होते हैं। आपके भाव भी यदि ऐसे आनंद में हो रहे हों तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में ऐसे ही आनंद उत्पन्न होता है। इन सूत्रों को पढ़ो, ऐसे आनंद की अनुभूति होती है। क्या कह रहा है, गुप्त प्रकाश अति गहरा है, अपना ये गुप्त गायक स्वभाव शुद्ध उपयोग में अपनी चेतना बहुत गहरी है, बहुत गंभीर है भैया, शुद्ध ज्ञान में यही यही समाया है, जिनवाणी का जितना भी विस्तार है भाव श्रुत में उसमें इस गुप्त स्वभाव का अनुभव ही समाया हुआ है भैया। इसलिए हे भव्यात्मा, ज्ञान विज्ञान में ये ज्ञायक घन वीतराग स्वभाव है, अनंत गुणों में सहज अपने अंतरात्मा में स्वयं रंजायमान हो रहा है भैया, तुम इसकी प्रसन्नता रखो। ज्ञायक स्वभाव गहरा है, गंभीर है, इसके आनंद में रमणता से ही नंद आनंद चिदानंद सहजानंद परमानंद अपने ध्रुव शक्ति का परिपूर्ण प्रकाश जगमगा जाएगा भाई। देखो तारण स्वामी ने यही कहा, मान जाओ मान जाओ, जिन स्वभाव ही जिन सत्ता है, जिन स्वभाव ही अपना वीतराग सत्ता, अर्थात अंतर आत्मा ही अपनी वीतराग सत्ता है, ज्ञान रमण करके इसको श्रेष्ठ स्वभाव को उत्पन्न तो करो, ज्ञान रमणता ही श्रेष्ठ है। हे जीवात्मा, अवल वली स्वभाव स्वयं तीर्थंकर परमात्मा का है, वो परम इष्ट सर्वोत्तम पद के दाता है, स्वयं सर्वोच्च शक्ति को प्रकट कर चुके हैं। हे भव्यात्मा, ऐसे अवल वली स्वभाव का आश्रय लेके अपने रत्नत्रय स्वभाव का सहकार तो करो, ती अर्थ में आचरण करना ही ती अर्थ आयरन तीर्थंकर तीर्थंकर पदवी को प्रकटाता है भैया, स्वीकार तो करो चतुष्टय स्वभाव की प्रबलता, अर्थात अनंत चतुष्टय का बहुमान हो, यदि अनंत चतुष्टय की महिमा हो तो क्या होता है, अनंत इंद्रिय विषय अपने आप विलायमान हो जाते हैं। लेकिन जीवात्मा देखो देखो देखो, महिमा हो निजनाथ की तो पर सत्ता पर्याय भाव अपने आप विलायमान हो जाते हैं, और यदि रुचि हो इंद्रिय विषयों की तो क्या होता है, बताओ भगवान जी, यदि इंद्रिय विषयों की रुचि हो तो क्या होता है। जीवात्मा यदि इंद्रिय विषयों की रुचि हो तो अनंत संसार भ्रमाता है जी भैया, देख लो जैसी मति वैसी गति, जैसी मति वैसी गति, अर्घ भूले नरक ठड़ी पड़े, अर्घ भूलो के नरक जाओगे भगवान जी। चलिए अपन नरक की ओर चलते हैं, आज दीदी अगला अगला आप खोल दीजिए, अपन देखते हैं नरक में कितना आनंद आता है, क्योंकि तारण स्वामी तो कह रहा है कि अर्घ भूले नरक ठड़ी पड़े, कि जब जीव अर्घ स्वभाव का विस्मरण करता है, अपने चैतन्य अर्घ स्वभाव को भूलता है तो फिर वो नरक जाता भैया। भोजन का तैयार कर रहे हैं हम, जब जीव नरकों में जाता है तो उसे कितना आनंद आता भैया, अपन नरकों के आनंद को देखते हैं, नरक गति का आनंद। जी जी ऊपर क्या लिखा था, थोड़ा सा कट गया ऊपर का, थोड़ा सा नीचे कर दे, हमने देखा नहीं, नरकों के दुखा, ठीक है ठीक है दीदी, ओके ठीक है, ऊपर नहीं, यही फोटो में देख रहे थे, क्या हेडिंग, फोटो की हेडिंग देख रहे थे, बाकी कुछ नहीं,
नर क्यों के दो भैया, देखो भैया नरकों में कितना आनंद आता है, नरकों में क्या आनंद है आप बढ़िया अच्छे से देख सकते हैं। लेश्या, द्रव लेश्या और भाव लेश्या, भैया आपको अच्छे से पता है कि नार की जीवों की लेश्या द्रव लेश्या से भी उनका शरीर अति कृष्ण काला कोयले की तरह, देखो यहाँ पाउडर लगा ला के, लिपस्टिक लगा ला के, फेरल लबली लगा ला के गोरे होने के लिए पागल हुए जा रहे हैं और ये रोज साबुन से डब से और पेयर साबुन से नहा नहा के बड़े सुंदर और बड़े अच्छे बढ़िया आनंद के साथ शरीर की सेवा करने में लगे हैं भगवान जी। जीव आत्मा यदि अपने प्रकाशवान अर्क स्वभाव का स्मरण नहीं किया ना तो नर्क जाओगे, नर्क जाओगे तो मालूम क्या होगा, शरीर का रंग अति कृष्ण मतलब समझ गए काला, बिल्कुल काला था कोयले के समान, पारे की तरह शरीर होता ना वो अति कृष्ण लेश्या से संपन्न होगा भैया। सोचो भगवान जी इस तन को, इस तन में ममत करके अनंत जीवों की हिंसा से बनी फेयर एंड लवली लिपस्टिक और पाउडर लगाने वालों लो अच्छे सुन लो, जिस शरीर को सजा रहे हो, जिन वस्तुओं से सजा रहे हो, उन वस्तुओं का उपभोग करने के कारण से तुम्हें नरकों का बढ़िया सुंदर सा काला बिल्कुल कोयले के समान एकदम मस्त आनंद में शरीर प्राप्त होगा। अब भैया अब लगेगा डर, अब आएगी परिणामों की पकड़ की दद्दा, जैसे भाव करोगे वैसी गति में जाओगे। अभी तक तारण समय अच्छे समझा रहे थे, अर्घ भूले नर्क ठिड़ी पड़े जो समझ में नहीं आ रही थी, अभी तारण समय बहुत अच्छे से बोल रहे थे कि भगवान आत्मा स्वभाव को भूलोगे तो जाओगे बेटा 84 के चक्कर में, तब तारण समय बहुत प्रेम से बहुत करुणा से बहुत आत्मीयता समझा रहे थे, तो आपको समझ में नहीं आ रही थी। अभी देखो अब ये पढ़ो बढ़िया आचार्यों ने जो नर्क का स्वरूप कहा, अब लगेगा डर, अब होगी अंदर घबराहट, भगवान जी क्या होने वाला हमारा। अब देखो जरा जिस तन को बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना रहा हो, बढ़िया सजा कर रख रहा हो, बढ़िया लाल पीले हरे सफ़ेद काले कोयले की तरह ये शरीर मिलेगा, तब पहनना बेटा, कौन कौन से कपड़े मिलेंगे वहाँ, कितने अच्छे कपड़े मिलेंगे, कितने अच्छे वस्त्र मिलेंगे, जब देखना। अभी दिगंबरत की भावना नहीं आ रही ना, साधु होने की भावना नहीं आ रही ना, देह विषयों में आसक्त हो रहा हो ना, दिन रात पाप मिथ्या कुलिंग अरेप कुदेव इन संसार भाव में मर रहा हो ना जीवात्मा, ये शरीर का ममत्व क्या कराएगा, कृष्ण लेश्या से अति दुर्गंध युक्त काला शरीर मिलेगा भैया। और साथ में क्या होगा, भाव लेश्या, परिणाम तीन अशुभ लेश्याएं होंगी भैया। कौन कौन सी नाम आपको याद है, हम बोले क्या नहीं बोलो, नील कापोत कृष्ण, ये तीन अशुभ लेश्याएं ही होंगी, और इन तीन अशुभ लेश्याओं से तू रोएगा चिल्लाएगा एक दूसरे को मारेगा काटेगा, ये सारे क्या बोलते हैं एक दूसरे पे उपसर्ग करेगा, लेकिन जीवात्मा तू सब कुछ लड़ेगा मरेगा, लेकिन तेरा सगा भाई भी तेरे पास होगा तो तुझे उसमें रति करने का भाव नहीं आएगा, तेरी सगी माँ तेरे सगे बहन तेरे सगे संबंधी जिनसे तू बहुत प्रेम करता है यदि वो भी तेरे पड़ोस में होंगे तो तू उनसे रति नहीं कर पाएगा, तू क्या करेगा मार काट और हिंसा, कितना अच्छा नर्क भैया, नर्क जाएंगे तब तो जाएंगे, हमारा तो घर ही नर्क है। सम्यक दर्शन या तत्व का निर्णय या जिनके जीवन में विवेक नहीं है वास्तव में तो उनका घर ही नर्क है, बेचारे नर्क जाएंगे कहाँ से, तो नर्क में ही है, इसने ऐसी कह दी उसने वैसी कह दी वो ये कह रहा, किसी के दो शब्द बर्दाश्त नहीं होते, तो जिनका घर नर्क है उनकी तो कोई बात ही नहीं भैया। चलिए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, क्योंकि यदि हम इन दो की चर्चा करते रहे तो वो पूरी चर्चा नर्क में ख़त्म हो जाएगी, आगे चलते हैं। परिणाम क्षेत्र का अशुभ स्पर्श रस गंध वर्ण, भैया जैसे ही कल भी अपन हमने कहा था जैसे ही जीव नरकों को मोह जाता है तो उस क्षेत्र में जो अशुभ स्पर्श अर्थात उसके स्पर्श मास के मात्र से क्या होता है शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, और उस वहाँ क्या है भैया अशुभ क्षेत्र होने के कारण से महा के स्पर्श से महा के रस से गंध से वर्ण से सबसे भयानक वेदना को भोगता भैया। लेकिन इसको बिल्कुल भी क्या बोलते हैं बिल्कुल भी अंतरात्मा का बोध नहीं आता, देह से भी कुधातियों सहित भैया अनंत वेदना को भोगता है, वेदना काय की शीत की उष्ण की रोग की भूख की प्यास की सब वेदनाओं को भोगता है। और यहाँ देखो
यहाँ गुलाब जामुन चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, सोन पापड़ी चाहिए, दिवाली आ रही ना, क्या क्या चाहिए, यहाँ सब चाहिए। वहाँ रोग शोक भूख प्यास, वहाँ भोजन करने के लिए पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, और यहाँ तो यहाँ विक्रिया अशुभ आपतक विक्रिया, मतलब जीव अपने ही अंगों का तलवार बनाते हैं, कहीं भाला बनाते हैं, एक दूसरे से काटते हैं, अपनी विक्रिया से एक दूसरे को दुखी देकर दुख करते हैं, परस्पर एक दूसरे को पीड़ा देते हैं, लड़ते हैं, लड़ाते हैं, जैसे कुत्ते आपस में लड़ते हैं ना, आपस में कुत्तों की भांति एक दूसरे लड़ते हैं, मारते हैं, काटते हैं। असुर कुमार के देव भी भड़काते हैं और एक दूसरे के प्रति भड़का के और जीवों को आपस में लड़वाते हैं भैया। इतने आनंद है नरकों में, और ये आनंद हमें कब प्राप्त होंगे भैया? इन नरकों के आनंद को हम कब प्राप्त करेंगे? अर्घ भूले नरक ठड़ी पड़े भैया। अपने आत्म स्वभाव की साधना को भूल के संसार के प्रपंच में लगे रहो, आप अर्घ स्वभाव को भूलेंगे तो आपको नरकों के ये आनंद सहज प्राप्त होंगे भगवान जी। अब बताओ भैया, किस किस को ये आनंद चाहिए? तारण स्वामी की अर्क अर्क की चर्चा में तो आनंद नहीं आ रहा था ना, कि अर्क 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 उत्पन्न अर्क, हितकार अर्क, सहकार अर्क, ईष्ट अर्क, उस अर्क में आनंद नहीं आ रहा था ना, नरक में तो आ गई। देखो आनंद तो दो ही जगह भैया, या तो विषय कसाय के परिणामों में, इंद्रिय विषयों में मिथ्या आनंद, मिथ्या मानता का आनंद, और या तो स्वानुभूति में जय जयकार मचाते हुए शुद्ध स्वरूप में रमणता का आनंद। पता दोनों में से कौन सा चाहिए? क्या भैया नरकों वाले ही अच्छा है भैया, स्वानुभूति वाला चाहिए। कहा भगवान, नरक वाले में क्या दिक्कत है? नहीं भैया। चलिए भैया ठीक है, मान लेते हैं। चलिए आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं अपन। द्रवलेशा से सातों नरकों में नारकियों के शरीर का रंग अति कृष्ण काला होता ही है। पहले नरक की जगन आयु, ठीक है आयु मान छोड़ो, 10,000 वर्ष वो सब लिखा हुआ है। पहले नरक की उत्कृष्ट आयु में एक समय अधिक करने पे आगे के नरकों की आयु होती जाएगी। ये आगम का ज्ञान है, फिर भी पढ़ देते हैं। पहले नरक की जगन आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। पहले नरक की उत्कृष्ट आयु में एक समय अधिक करने पर आगे के नरकों की जगन आयु होती जाती, मतलब आगे के नरक की आयु 2 सागर है, तो 2 सागर एक समय तीसरे नरक की जगन आयु होगी। ठीक है, ये सारे यहाँ नारकियों के शरीर देह की विशेषता क्या होती है भैया? शरीर की अशुभ आकृति होती है, मतलब अपने से अच्छे सुंदर गोल मटोल नहीं दिखते असुर जैसे, मतलब आड़े टेढ़े नपटे काड़े, मतलब जिन्हें देख के जो आप कहते हैं ना भूत प्रेत, जिन्हें देख के भय उत्पन्न हो, ऐसे विकृत शरीर वाले होते हैं भैया, उनकी आकृति अशुभ होती है, भयानक होती है, डरावनी। वैक्रिक भी यह मांस आदि युक्त होता, मतलब विक्रिया जो विक्रिया आदि करते हैं वह भी मांस आदि युक्त होता है भैया। इनके दाढ़ी मूछ नहीं होते, इनके शरीर में निगोरिया जीव की, हाँ ये बात है कि देव और नारकियों के शरीर में अरिहंत परमात्मा के परमोदारिक शरीर में वादर निगोदिया, इनके शरीर में निगोदिया जीव की राशि नहीं होती। नारकी विकलांग हुंडक संस्थान नपुंसक दुर्गचित काले कठोर स्पर्श वाले दुर्भंग और कठोर स्वर वाले होते हैं, वो बढ़िया गाना नहीं सुनाते, दिन रात कान में हेडफोन फंसा के गाना सुनने वालों को बहुत अच्छी बात है, वहाँ नरकों में गाना सुनने नहीं मिलता, वहाँ कूर स्वर सुनने मिलते हैं। इनके शरीर में कड़वी तुंगी, देखो कड़वी तुम्बी मतलब कड़वी गिलकी और कंजीर के समान रस उत्पन्न होता है, मतलब इनके शरीर में जो रस उत्पन्न होता है वो भी कड़वा। देखो भगवान जी आज मीठा खा खा के पागल हो रहा है, बता किसके यहाँ कितनी कितनी मिठाई बन गई, चलिए बताओ कितनी मिठाई बन गई, गुलाब जामुन सोन पापड़ी और क्या क्या बनता है, हाँ गुजा पापड़ी गुलाब जामुन और कौन कौन क्या कितनी कितनी बन गई, चलिए बताओ
अब कोई नहीं बोलेगा, हमें पता ही है ना, कोई कुछ नहीं बोलना। और ये देखो ये सुन लो, यहाँ बन गई सब तो उत्तम भैया छोटे बच्चे सबके यहाँ है तो सबके यहाँ बन गई। छोटे बच्चों के लिए बनी है या फिर अब छोड़ दो कि परंपरा है, परंपरा है, परंपरा कि दिवाली में बनती ही है, बननी चाहिए। तो भैया जी जिनके यहाँ नहीं बनती उनको नाम रखते भैया जी लोग। हाँ तो बस वही तो लोक मूर्ता जय तो जय तो। इस बस इतनी सी बात सुननी थी हमें आपसे कि लोक मूर्ता बस करना पड़ता है बच्चों के लिए, तो रोज बनाओ कोई मनाए थोड़ी ना, लेकिन लोक मूर्ता बस जो करना पड़ता है वो मिथ्यात के अंतर्गत है। हाँ जी, अगला पेज खोल दो आप। तो भगवान आत्मा ये सारी जो बातें यहाँ चल रही हैं, अर्घ भूले नर्क ठिड़ी पड़े, ये फिर वेदनाएं आ गई भैया। देखो कितना आनंद है, आपको कर्णानियों के विषय सुनना था ना भैया, डिटेल में चर्चा करो नर्क क्या है, नर्क की बातें क्या है, नर्क की अंदर की चर्चाएं क्या है, ये देखो डिटेल में बढ़िया। अब बिल्कुल आपको वही वही विषय मिलेगा कि नर्क में कितना आनंद है। जन्म के समय से ही वेदना है, स्पर्श मात्र से शुरुआत हो जाएगी। जैसे ही आप ऐसा कहते हैं ना, रावण का जब अपन चारित्र पढ़ते हैं कि रावण ने जैसे ही नर्क की पृथ्वी को स्पर्श किया तो उस नर्क की पृथ्वी को स्पर्श करने के कारण से उसकी उसकी जो आत्मा है, उसका जो जीव है, जो वैकृत शरीर सहित था, वो नर्क की पृथ्वी पे जैसे स्पर्श करा था तीसरे नर्क की पृथ्वी को, तो वो उछल के वापस बाहर आया। एक से तीन चार बार उसने उछाल मारी भैया। क्यों क्यों क्यों? वो चिल्लाया कि बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। क्यों क्यों? क्योंकि वो जिस पिति नारायण के पर्याय से गया था, वहाँ देह के अनंत सुखों को, मतलब भौतिक सुख संपदा को, भौतिक सुखों को भोगा था, लेकिन भगवान आत्मा नर्क की पृथ्वी के स्पर्श मात्र से इतनी वेदना हुई थी कि उसकी आत्मा उछाल मार गई थी भैया। बाहर रहना नहीं चाहता जी, उछलता गेंद की तरह छूते ही, और उस वेदना को भोगते हुए क्या करता है, असहनी असहनी असहनी, उस असहनी वेदना को भोगते हुए अपनी आयु पूरी करता है। क्योंकि नर्क किनार की जीव अपनी आयु से एक समय पहले भी नहीं मर सकता। यहाँ तो आप वर्तमान समय में तो जीव क्या कर सकता है भैया, कदली घात मरण हो सकता है, अपना तो हो सकता है कदली घात मरण, लेकिन 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 नारकी और देवों का, नारायण आदि महापुरुष, इनका क्या कहते हैं, कदली घात मरण में नहीं होता। तीर्थंकर आदि इनका नर्क में तो 33 सागर की बांध के साथ में नर्क में जाओगे ना तो 33 सागर तक रहना पड़ेगा, कम नहीं कर सकते जीव, एक सेकेंड की कमी नहीं कर सकते। तो एक काम कर रहे हैं, ये देखो क्या लिखा है, पहली पृथ्वी में नारकी जीव जन्म में 7 योजन 3.25 कोस ऊपर आकाश में उछलकर पुनः नीचे गिरते, जैसे छूते हैं वैसे उछलते हैं फिर नीचे गिरते हैं, एवं अन्य 6 पृथ्वियों में उछलने का प्रमाण क्रम से उत्तोत्तर दुना हो जाता है। और यदि उनके नीचे जाएंगे तो कितना भैया, डबल डबल, मतलब क्या होगा भैया, जैसे 3 कोस उछला था पहला वाला तो दूसरा वाला डबल 6 कोस, तीसरा वाला फिर डबल 12 कोश, इतना ऊपर उछलता भैया, जितना नीचे जाता है उतना ऊपर छलांग लगाता है। क्यों? वेदना उतनी अधिक है। कैसा लग रहा, आनंद आ रहा है ना? उत्पन्न होते समय यहाँ जीव का मुंह नीचे की तरफ रहता है, गिरता काय के बल है, मुंह के बल गिरता है भैया। सोचो मुंह के बल गिरने में क्या आनंद आता होगा। अंतर मुहूर्त में ही क्या होता है, दुर्गंधित, जितनी भी मलिनता है, दुर्गंधित घृणित, जितनी भी घृणित वस्तुएं हैं जिन्हें आज आप देखते भी नहीं, मलमूत्र को देख के बड़ी घृणा आती ना, जरा सी बदबू सहन नहीं होती, जरा सा यदि कुछ हो जाए तो मुंह नाक बन जाते हैं, जरा सी बदबू आ जाए, थोड़ा सा यदि पीप निकल जाए या थोड़ा कोई थोड़ा सी गंदगी पड़ी हो, भैया हम तो अपने घर को बिल्कुल सोने की तरह चमका के रखते हैं, हमें इतनी सी गंदगी नहीं पुसाती भैया, इतनी सी गंदगी नहीं पुछाती हमें, इतनी सी गंदगी हो जाए तो भैया चाहे हजारों जीवों को हिंसा हो जाए, एसिड फिनाइल डाल के मार डालते हम जीवों को, जरा सी गंदगी नहीं पुछाती हम। अरे देखो कैसा पागल जीव है रे, देखो देखो अंतर मुहूर्त में ही आनंद आने लगेगा। कैसा आनंद आने लगेगा,
लघु अंतर मुहूर्त में आएगा और ज्यादा देर मत लगाना, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त का इंतजार नहीं रहेगा। थोड़ी देर में लघु अंतर मुहूर्त में 10-20-25 यानी कि 2-4 आवली बाद ही क्या होगा, घड़े दुर्गंधित बुरी आकृति वाले शरीर की रचना पूर्ण हो जाती है। देखते ही देखते पलक झपकते ही वो वैकरिक काला और डरावना शरीर बन जाता है भैया, देखते ही देखते। और क्या होता है, शरीर रचना पूर्ण होते ही भूमि में गड़े हुए तोड़ा हथियारों से, मतलब नुकीले हथियारों पर ऊपर से नार की जीभ गिराते हैं, पटकते हैं उन हथियारों पे। यहाँ जितना इंद्रिय विषय भोग करे ना, वे उन हथियारों पे उन्हीं कटीले अपन यहाँ का यहाँ अपनी भाषा में कहें तो धार गर्म हथियारों पे जीभ को पटकते हैं, नार की जीभ गिराते हैं और संतप्त भूमि पर सुनो भाड़ में डले तिलों के समान। आपने भाड़ में तिल को भूनते हुए देखा कि नहीं देखा, देखा कि नहीं? अरे चने को तो भाड़ में भूनते हुए देखा कि नहीं देखा? वैसे तिलों के समान देखा है। हाँ वैसे ही बिल्कुल वैसे ही उसके समान पहले तो उछलते हैं और फिर वहां जाकर फिर गिरते हैं। ऐसा आनंद आता भैया, इतना आनंद कहाँ है? ये अपन रोज रोज की कसाई कर रहे हैं ना एक दूसरे से कि तूने ऐसा क्यों कहा था, तूने ऐसा क्यों करा था, ये एक दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पने के भाव, मेरा हिस्सा ले लिया, मेरी संपत्ति को हड़प लिया ना, यही भाव तो दिन रात चल रहा है। एक दूसरे के प्रति भैया मैत्री भाव की जगह एक दूसरे को तिरछी आँख भी देखना पसंद नहीं करते, बेर बांध रहा है। ये देखो ये आनंद आएगा भैया, ये आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा भगवान जी, इस आनंद की पराकाष्ठा नहीं है। देखो अगला चौथा पॉइंट बड़े अच्छे से, खारा गरम तीक्ष्ण वैतरणी नदी का जल, वो जल नहीं है एसिड है, पीने के लिए पानी जैसी कोई वस्तु नहीं है वहाँ, खारा गरम तीक्ष्ण वैतरणी नदी का जल है और दुर्गंधयुक्त मिट्टी का आहार करते हैं। कितना आनंद आएगा ये बताओ आप, वैतरणी नदी का जल पीते हैं जो एसिड से, जो अपने वर्तमान एसिड जो टॉयलेट में डाल रहा हो ना उससे भी ज़्यादा ख़राब है, और दुर्गंधयुक्त मिट्टी। आज यदि नमक कम हो तो भोजन अंदर नहीं जाता, लेकिन वहाँ खाने के लिए मिलेगा आपको बढ़िया दुर्गंधयुक्त मिट्टी, लेकिन भूख में मिट्टी एक बूंदी भी। और सुनो तो इतना ही नहीं, उन्हें कोहलू में पेला जाता है। कोहलू का बेल देखा कि नहीं देखा? उन्हें कोहलू में पेला जाता है और क्या करते हैं भैया, कढ़ाई में पकाया जाता है। कोहलू में पेलेंगे और पिलते पिलते जब थक जाएगा तो उठा के कढ़ाई में पकाएंगे। बढ़िया, तुमने भी अवश्य बहुत पता है, आलू बनाए हैं, प्याज बनाए हैं, बढ़िया। आलू प्याज बनाते समय मन कभी खेज खिंद नहीं होता, खूब बढ़िया रस से आलू प्याज लहसुन भटा अवक्ष पत्ता गोभी फूल गोभी जय झमाझम। सॉरी पत्ता गोभी को नहीं लेना चाहिए, लेकिन बारिश में नहीं लेना चाहिए, बाकी फूल गोभी आलू प्याज और लहसुन अदरक इनमें तो जीभ होते ही नहीं है, है ना? तो क्या करता भैया जीभ, बढ़िया आराम से कढ़ाई में तलता है बिना किसी भय के, बिना किसी अनुकंपा के। अरे बढ़िया, जैसी करनी वैसी भरनी। अब आप हमें सुनना बंद करोगे, कढ़ाई में पकाया जाता है भैया, और इतना ही नहीं, तांबा आदि धातु में पिलाई जाती, तांबा मतलब समझ गए, ये धातु होती ना तांबा स्वर्ण जो आप यहाँ देख रहे हो, तांबा लोहा आदि, इन धातुओं को पका के पानी बना के गर्मा गर्म पिलाया जाता है। गर्म रोटी जरा मुँह में चली जाए या गर्म सब्जी मुँह में चली जाए, 2 घंटे सीसी करते हो और वहाँ तो भैया धातुओं को पिघला के, सुना है, अरे सुना के आगम में लिखा है, नरक में इतनी गर्मी है कि सुमेरु पर्वत समान लोहे का गोला भी डाल दिया जाए तो मिनट में पानी बन जाए भैया, और उन धातुओं को पिलाया जाता है, इतनी गर्मी है। क्या करना है भगवान जी, भैया बिना पंखे के तो नींद ही नहीं आती, अरे नरकों में तो एसी लगा हुआ है। तो पूर्व जन्म में रहे, देखो देखो देखो, अरे वाह ये तो बड़ा, यदि कोई अवक्ष ग्रहण करता हो तो उसके लिए पूर्व जन्म में रहे मांस भक्षियों को उनका मांस काटकर उन्हें ही खिलाया जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। और
तपे हुए गर्म लोहे लोहे के गोले उन्हें निगलवाए जाते हैं। भैया कैसा लग रहा है? कसाई करते समय तो अच्छा लगता है ना, एक दूसरे लड़ते समय भी अच्छा लगता है। और तारण स्वामी जब कह रहे थे अर्घ भूले नर ठिड़ी पड़े, तब आत्मा की स्वरूप नहीं आ रही थी ना, तब तारण स्वामी की बात समझ में नहीं आ रही थी। अब सुनो नर क्या है, यदि पहले चेत जाते, हमने पहले जब ग्रंथ का वाचन प्रारंभ कर रहे थे तब हमने पहले कहा था जो पहले छेद गए उनकी तो बारे नहीं आ रहे हैं, और जो नहीं छेदे हैं उन्हें ये देख के पसीने आ जाएंगे। भैया जिनकी चेतन ज्योति जल गई उनकी तो जय जयकार है, और जिनकी नहीं जली उनकी तो गद गंगा होनी है। भगवान जी देख लो, ये है साक्षात स्वर्गों के सुख, अनंत स्वर्ग का आनंद। ठीक है ना, इन स्वर्गों के आनंद में रहिए भैया। दीदी अगला पेज, अभी तो शुरुआत है, अभी तो और पॉइंट बाकी हैं। अरे नीचे छठा तो नहीं गया था, छठा पॉइंट रह गया था ना जी? हाँ ये जूम कर दिया इसलिए रह गया था। शुरू की चार भूमियों में उष्ण, ऊपर की चार भूमियों में इतनी गर्मी है कि सुमेरु पर्वत का बराबर लोहे का गोला भी डालो तो पानी हो जाए क्षण में। और पांचवी पृथ्वी में उष्ण और शीत दोनों तथा छठी और सातवीं पृथ्वी में मात्र इतनी शीत है कि एक समुद्र पानी डालो तो सेकंडों में बर्फ बन जाए, इतनी शीत है। भैया ठंडियों में स्वेटर पहन पहन के काम चला रहे हो, साधना करने का भाव नहीं आते, ऊनी स्वेटर पहन रहे हो, जीवों की हिंसा करने वाले रेशमी वस्त्र पहन रहे हो, और शरीर में सजी को सजा धजा के शरीर के भयानक दुखों को भोगने के लिए तैयार हो। शिव आत्मा देखो कितना आनंद आएगा। शुरू की चार भूमियों में उष्ण वेदना, और पांचवी पृथ्वी से उष्ण और शीत दोनों तथा छठवीं और सातवीं पृथ्वी में शीत वेदना होती है, और इतनी असहनी होती है जिसका कोई और छोड़ नहीं होता। भैया जाग जा रहे पागल जी, जाग जा, और नहीं तो ये देख तेरा भविष्य, ये सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यदि आपको आज भी आत्मा स्वीकार नहीं है तो आप और हम देख सकते हैं कि हमारा भविष्य अपने स्क्रीन पे है, भविष्यवाणी है, और ये भविष्यवाणी सर्वज्ञ भगवान ने की है, ये फेल नहीं होती, ये सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है कि ना भाई हमें तो अपना भविष्य नरकों में स्वीकार है कि नहीं। चलो आज दीदी ये लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, आप ही अगला पेज खोलिए। चलिए अगला पॉइंट, मानसिक दुख की तो कोई भैया वही नहीं है। छः से नौ पे आ गए, आठ सात गायब का सात, ठीक है। तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार के देव मेड़ा बनाकर, मतलब मेड़ा मतलब आपने वो भेड़ टाइप का कोई पशु होता है जो नुकीले क्या बोलते हैं, जिसके नुकीले सींग आदि भयानक रूप वाला जो होता, मेड़ा बनाकर या फिर चारों तरफ बाउंड्री खींचकर असुर कुमार के दीप लड़ाते हैं, जैसे फाइट देखते हैं ना पिक्चर में, चारों तरफ बाउंड्री वाल बनी होती है और दो लोग लड़ते हैं और अपन बढ़िया ताली बजाते हैं कि वाह 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 वाह, ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल वैसे खेल चलता है नरकों में। भैया जो खेल अपन टी वी पर देखते ना कि गोलियाँ चल रही हैं, बम फट रहे हैं, हीरो फाइट कर रहा है, ये जो जितने अपने मनोरंजन के साधन है ये यहीं ले जाएंगे। तो क्या कह रहा है, तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार के देव मेड़ा बनाकर जीव को परस्पर लड़वाते हैं और उन्हें लोहे के आसनों पर बैठाते हैं। कहा भैया, भैया हमें तो चटाई पे नींद नहीं आती, तो हमें सोने के लिए क्या चाहिए, डल्लभ का गद्दा चाहिए। सही कह रहा है कि नहीं, अरे डल्लभ का बढ़िया शानदार गड्ढा ना हो तो नींद नहीं आती भैया। अरे जीवात्मा कभी भूमि सहन करके देखो कि वीतरागी मुनिराज कैसे धरती पर सोते, और नहीं तो नरकों में इतना आनंद मिलेगा कि लोहे बड़े बड़ी अच्छी अच्छी कुर्सियों में बैठने वाले भगवान जी, समाई के लिए बैठ जाओ, समाई के लिए एकाग्रचित होकर ध्यान लगा के बैठने की आदत डालो, और नहीं तो लोहे के आसनों पर तो बैठना ही पड़ेगा भैया। और सुनो तो आगे और भी है, नारकी एक दूसरे के द्वारा दिए हुए शरीर एवं मानसिक दुखों को सहन करते, एक नारकी को दूसरे नारकी के प्रति वैर तो रहता ही है, एक दूसरे को मानसिक दुख और शारीरिक दोनों कष्ट पहुंचाते भाई। मानसिक दुख मतलब उन्हें अनर्गल बोलते हैं, उनको अनर्गल कहते हैं तो उन्हें मानसिक दुख होता है, और
सारे दुख तो पहुंचाते हैं, काट मार काट तो होती है भैया, अभी अभी और बाकी है भैया, शुरुआत है अभी तो। खंड खंड होने पर भी, सुनो सुनो सुनो, पारा मरकरी, देखिए मरकरी क्या होती है, पारा जो थर्मामीटर में रहता है वो टूट जाए उसके बाद फिर जुड़ जाता है। ऐसे ही वैकृत शरीर की क्या विशेषता है, खंड खंड होने के बाद भी एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, पीड़ा देते हैं, छिन्न भिन्न होता है शरीर, इसके बाद भी खंड खंड होने के बाद भी पारे के समान यह नारकियों के शरीर के टुकड़े पुनः आपस में समूह बन जाते हैं, फिर से वैसे वैसे शरीर बन जाता है, फिर वेदना भोगेगा, मरना थोड़ी ना होगा, मरना नहीं है माँ, सावधान, मरना नहीं होगा, मरने नहीं दिया जाएगा, जितनी आयु उतनी भोगनी पड़ेगी माँ, शरीर के टुकड़े होंगे वापस जुड़ जाएंगे, फिर टुकड़े होंगे फिर जोड़ दिए जाएंगे, ये कहाँ भैया इतना आनंद कहाँ है, ये नरकों में। दसवां पॉइंट, यहाँ गिद्ध बज्र में चोट से, सूना कुत्ता, मतलब ये कोई कुत्ता होगा किसी प्रकार का, इसका अर्थ नहीं मालूम, लेकिन गिद्ध और कुत्ते क्या करते हैं भैया, गिद्ध बज्र में चोट से और कुत्ते नाखून से नारकियों के शरीर को भेदते हैं भैया। गिद्ध बज्र बज्र की चोट से और कुत्ते नाखूनों से नारकियों के तन को भेदते हैं भगवान जी। सोचो जब कोई शरीर लोचता होगा तो कैसा आनंद आता होगा, बज्र की चोट से और कुत्ते नाखूनों से जब शरीर को लोचेंगे तब क्या अनुभूति होती होगी जीवात्मा, आज जिस शरीर को सजाने में दिन रात पागल हो रहा, कल नरकों में उसकी क्या हालत होगी। भैया हमें नरक जाना ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आत्म स्वभाव का स्मरण कितनी देर रहता है, कहना वो क्या होता है, भेद ज्ञान कितनी देर होता है, कहना वो क्या होता है, तत्निर्णय कितनी देर होता है, कहना वो क्या होता है, कहना वस्तु स्वरूप का निर्णय कितनी देर होता है, कहना वो होता क्या है। बस भैया आपको इतना सब कुछ नहीं मालूम तो बस, तो ये तो निश्चित है ना, ये अपना भविष्य है, ये मेरी आगामी पर्याय है। जरा ध्यान से देखिए आपकी स्क्रीन पे आपकी भविष्य है, भविष्यवाणी है क्या, पूर्व जन्म में वह विचारी रहे जीवों को अग्नि से तप्त पुतलियों का आलिंगन कराया जाता है भैया, ये कुशील का दोष है भैया, उनके लिए ये है भैया, यदि सम्यक दर्शन से हीन जीव है और तत्व के निर्णय को नहीं जानता, वस्तु स्वरूप को नहीं जानता और व्यभिचारी है तो भैया उसको इस प्रकार से वेदना दी जाती है। इसलिए सावधान, यहाँ कटीले सेमर के वृक्षों पर ऊपर नीचे की ओर घसीटा जाता है, यदि कोई तलवार पे किसी को घसीटे तो क्या होता है, बस बिल्कुल वैसे ही समझो आप, जो आप पिक्चरों में देखते हो ना वो यहाँ रियल होता है, और उन पिक्चरों को देख के आप यहाँ रियल में जाने की, वो कार्टूनों में देख रहा ना, एनिमेशन फिल्म में मार काट फाइट जो मोबाइल पे खेल रहे हैं अपन, पबजी आदि जितने भी फाइटर गेम हैं ये सब, उसमें अपन देखते हैं ना कि वो अपन तो वहाँ क्या काल्पनिक रूप से करते हैं, रिमोट से चलाते हैं और दिमाग से साइकोलॉजी की सब कल्पना करते हैं, लेकिन वो जो कल्पना आप वहाँ करते हो ना वो रियल में आपके साथ घटेगी। क्यों घटेगी भैया, क्योंकि हाँ भैया क्योंकि आप कुलिंगी की सेवा करने जाओगे ना तो घटेगी, मिथ्या सहित रहोगे तो घटेगी, अज्ञान विषय वासनाओं में रत रहोगे तो घटेगी। यहाँ कटीले सेवर के वृक्ष, यदि आत्महित नहीं हुआ, भेद ज्ञान नहीं हुआ तो हालत खराब हो जाएगी जीवात्मा। यह यहाँ कटीले सेमर के वृक्षों पर ऊपर नीचे और घसीटा जाता है, ऊपर पहले ऊपर घसीटेंगे तो आधा कटेगा, फिर नीचे घसीटेंगे पूरा कटेगा, और अग्नि संया पर सुलाया जाता है, बुलाया गलत लिख दिया, सुलाया जाता है, शब्द मिस्टेक है टाइपिंग, लेकिन जीवात्मा सावधान, क्या करना है, अर्घ भूले नर फेड़ी पड़े, हम आपसे पहले कह रहे थे कि तारण स्वामी जगा रहे हैं, या तो पहले जाग जाओ नहीं तो अब आनंद लो भैया। एक दो पॉइंट और बस खत्म, चलती बलिया है, 14 पॉइंट यहाँ लिखे हैं, इससे भी अनंत दुख होते हैं ज्यादा, लेकिन लिख पाए हम जितने बस उतने आपके सामने। यहाँ देखिए आगे कि गर्मी में संतप्त होने पर छाया की कामना से वन में पहुंचता है, लेकिन माँ क्या होता है, कहाँ क्या होगा माँ, 80 पात्रों से उसके शरीर, पात्र मतलब जो जो वृक्षों के पत्ते होते हैं
वो असी मतलब तलवार की धार के समान होते हैं। तो गर्मी की गर्मी से बचने के लिए छाया की कामना से वनों में पहुंचता है, लेकिन वहां छाया कहाँ मिलेगी, वहां तलवार के समान पत्ते उसके शरीर को इतना विदारते हैं, मतलब काट काट के छल्ली कर देते हैं भैया, चाहता छाया के लिए और हो जाता छल्ली छल्ली, चलती भैया है बस। पर्वत से नीचे की ओर मुंह का, पर्वत से नीचे की ओर मुंह करके पटका जाता है, मतलब मुंह के मार ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है, और घावों पर खारा पानी सींचा जाता है, घाव पर मलम नहीं मिलता, यहाँ तो जरा सा हाथ जल जाए तो क्रीम और सब लग जाएगी, जरा सा थोड़ा सा शरीर में कोई वेदना हो जाए तो सारी बाहर के उपचार डॉक्टर सब आ जाएंगे, हॉस्पिटल भग जाओगे, लेकिन वहाँ ना हॉस्पिटल है और ना कोई भैया औषधि है, वहाँ तो घाव पे नमक रगड़ा जाएगा, खारा पानी डाला जाएगा, कैसा आनंद आता होगा ना भगवान जी, कल्पना भी नहीं कर पाओगे आप, इतने दुख है नरक में। लेकिन जीवात्मा इतना जानने के बाद भी यदि कोई पलट जाए तो भव भी होगा वो, नहीं तो भैया ये तो है ही। यहाँ एक नारकी एक समय में, नारकियों का एक नारकी एक समय में एक आकार बना सकता है, मतलब एक बार में एक ही आकार बनाएगा, नारकियों का एक शरीर के ऐसे नहीं, एक शरीर के चार पांच आकार नहीं बन सकते, एक बार में एक समय में एक ही आकार बनाता है। आकार की विकृत घृणा व का स्थान और कुरूप ही बना सकता भैया, आकार कैसा अच्छा अच्छा सुंदर सुकोमल और बढ़िया आकार नहीं बना सकता, घृणित विकृत और कुरूप, जहाँ जिस स्थान पर रह रहा उस वातावरण के अनुकूल ऐसा क्या बोलते दुर्गंध युक्त आकार ही बना सकता है, सुकोमल देवताओं जैसा सुंदर नहीं दिख सकता। और इन्हें विभंगा अवधि ज्ञान होता है, मतलब कुअवधि ज्ञान की जैसे कहते हैं, विभंगा अवधि ज्ञान मतलब विपरीत दिखाने वाला, यदि किसी ने पूर्व भाव में अपना हित किया था तो उल्टा दिखेगा कि ये मेरा दुश्मन था, और जो दुश्मन था वो तो दुश्मन दिखेगा ही भैया, विभंगा अवधि ज्ञान होगा। और ये विभंगा अवधि ज्ञान असुर कुमार का देव इसका उपयोग करके खूब आनंद से तुम्हें लड़वाएंगे और खुद आनंद लेंगे भगवान जी। अब बता भैया नर किस किस को जाना, हाथ उठाओ जल्दी से, एक हमने तो उठा ही दिया, बाकी और कौन कौन है हमारे साथ, सबके वीडियो बने हम कहाँ से देखें, दो चार लोगों ने हाथ उठाए भी होंगे, देख नहीं पा रहा है शायद, जल्दी बताओ कौन कौन को जाना है, वीडियो खोलो जल्दी से, हाथ उठाओ, किसी को नहीं जाना। अरे भैया नहीं जाना तो काम तो पूरे दिन रात वही हो रहा है, आत्म स्वभाव सबने अपना श्रद्धान सच्चा कर लिया है, और श्रद्धान सच्चा करके सम्यक की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे जीव तो नरक नहीं जाएंगे, क्योंकि सबने रौद्र परिणाम का त्याग कर दिया है। ये बात बहुत अच्छी है, नंदी शौर्यानंदी नंदी और आप ब्रह्मानंदी आदि भाव यदि किसी जीव के जीवन से निकल गए हैं तो वो नहीं जाएगा। तो भैया अपन यदि अर्क स्वभाव की स्मृति रखें और आत्म स्वभाव की जागृति रखें तो अपन अर्क को स्मरण करके नरक से बच सकते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। नरक चतुर्दशी कब है, संसार तो भागल नरक चतुर्दशी बनाता है बता, तो चलो हम कुछ नहीं कह रहे, कल देखेंगे कल निपटेंगे सबसे, कल है भैया कल, हाँ कल है। तो क्या होती है डॉक्टर साहब आप बता देना, हम जजनैन हम जरा यहाँ से लीव हो जाएं, सबसे जजनैन कर ले आप, हमें जरूर नरक चतुर्दशी का स्वरूप जरूर बता देना, हम सुनने के लिए तैयार बैठे सभी लोगों से चेतारण तरण। नहीं भैया जी मेरे को भी पता करना पड़ेगा पहले क्या है। चलो हम कल बताएंगे फिर आपको सब नरक चतुर्दशी, लोगों की भ्रांतियाँ लोगों की मानता है क्योंकि समय लिमिट क्रॉस कर चुका है, सभी से जयतारण तरण जय जनैन जय नमोस्तु। तुम शनंद आनंद मऊ चेयन नंद शाह परमित पद विंद वाक्य जो भैया जी ने आज बोला था।